साथियों, एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो, संविधान के स्पिरिट को बनाए रखने वाले हो। आपका क्षेत्र भले ही छोटा हो, आप जिस विभाग को संभाले उसका दायरा भले ही कम हो, लेकिन फैसलों में हमेशा देश का हित, लोगों का हित होना चाहिए, एक नेशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। साथियों, स्टील फ्रेम का काम सिर्फ आधार देना, सिर्फ चली आ रही व्यवस्थाओं को संभालना ही नहीं होता है। स्टील फ्रेम का काम देश को यह एहसास दिलाना भी होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़े बदलाव, आप एक ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में अपना दायित्व निभाएंगे। आप एक फैसिलिटेटर की तरह सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। फील्ड में जाने के बाद, तरह तरह के लोगों से गिरने के बाद, आपको अपनी इस भूमिका को निरंतर स्मरण रखना है। भूलने की गलती कभी मत करना। आपको ये भी याद रखना है कि फ्रेम कोई भी हो, गाड़ी का, चश्मे का या किसी तस्वीर का, जब वो एकजुट रहता है तभी सार्थक हो पाता है। आप जिस स्टील फ्रेम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका भी ज्यादा प्रभाव तभी होगा जब आप टीम में रहेंगे, टीम की तरह काम करेंगे। आगे जाकर आपको पूरे पूरे जिले संभालने हैं, अलग अलग विभागों का नेतृत्व करना है। भविष्य में आप ऐसे फैसले भी लेंगे जिनका प्रभाव पूरे राज्य पर होगा, पूरे देश में होगा। उस समय आपकी ये टीम भावना आपके और ज्यादा काम आने वाली है। जब आप अपने व्यक्तिगत संकल्पों के साथ देश हित के बृहद लक्ष्य को जोड़ लेंगे, भले ही किसी भी सर्विस के हो, पूरी ताकत लगा देंगे तो आप भी सफल होंगे। और मैं विश्वास से कहता हूं, देश भी कभी विफल नहीं होगा।